हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेसिकली आप लोगों के लिए शेयर मार्केट से थोड़ा शेयर लेके आया हूँ। अगर सेक्टर की बात करिए, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें, अच्छी खासी ग्रोथ रही है। अगर 52 की लोएस्ट पर नज़र डालें यहाँ पर 445 रुपया और हाईएस्ट 848 रुपया रही है। जिस टाइम ये लोएस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रही थी उस टाइम हम इसके बारे में बताए थे कि इन फ्यूचर ये अच्छा ग्रोथ देने वाला है। पहले कंपनी का नाम जल्द कंपनी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर कंपनी का हम कैपिटल मार्केट की बात करें यहाँ पे 2800 करोड़ से अबव की कैपिटल मार्केट है। और पीई रेशियो की बात करें यहाँ पे ओवर वैल्यूड जोन में यह ट्रेड कर रही है। जैसे बात करें यह ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रही है। अगर बात करें हम हमेशा अपना ट्रेड जो मार्क रखे हैं कि अगर स्टॉक पीई रेशियो पर नज़र डालें तो यह हमेशा जो रहना चाहिए यानी 20 के अंदर रहना चाहिए, अंडर रहना चाहिए, तब इसको हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और फेस वैल्यू की बात करें कंपनी की यहाँ पे 10 रुपया है। और यहाँ पे हम बात करें डिविडेंड पे आउट की, तो डिविडेंड पे आउट सालाना 0 कर रही है, यानी ये सालाना डिविडेंड पे आउट नहीं कर। डेट की बात करें यहाँ पर जो डेट यहाँ पर 0 है, जो एक अच्छी बात है। और कंपनी की यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर एक अच्छी रिजल्ट है। जबकि मार्च 2023 की बात करें यहाँ पर 58 करोड़ की नेट सेल रही और जून 2023 की बात करें 44 करोड़। यहाँ पर देखा है तो सेल यहाँ पे डाउन हो रही है। और कंपनी के हम एनुअली ग्रोथ में देखते हैं, कंपनी एनुअली ग्रोथ में 2022 की बात करें 180 करोड़ की रही, 2023 की बात करें 214 करोड़, जो यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखा रही है। और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 35 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है। अगर कंपनी के हम नेट सेल यहाँ पर रिजर्व की बात करें, कंपनी के रिजर्व में 374 करोड़ की टोटल रिजर्व भी है, जो एक अच्छी बात है। इंक्रीजमेंट किया है वहाँ पे 50 करोड़ के ऑलमोस्ट। और कंपनी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें हाल फिलहाल में 19 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कंपनी साथ दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी। बेसिकली आपका डिसीजन आज के दिन मिलता है नेक्स्ट।